हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यहां पर सी टेट लाइव मैथ्स क्लास के अंतर्गत मैथ्स पेडागोजी सेक्शन पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपने इसके पहले लेक्चर दूसरा जो समझा था उसमें मैंने आपके सामने पांच प्रश्न रखे थे, जिसके चौथे प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि जो गणित कैसे पढ़ाया जाए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अध्यापक जिन विधियों का सहारा लेता है उसे गणित शिक्षण की विधियाँ कहते हैं, और जिसमें हम मुख्य आठ विधियों की चर्चा कर रहे हैं, जिसका पहला विधि था आगमन विधि। और आगमन विधि में मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि आगमन विधि के जो क्रिया विधि है वो क्या है, जिसमें अध्यापक विशेष उदाहरण से सामान्य नियम की ओर अग्रसर होता है। मतलब पहले अध्यापक विशेष उदाहरणों को प्रस्तुत करता है, मतलब ये उदाहरण सेंस के साथ विशेष जुड़ा है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि अध्यापक एग्जाम्पल पर्टिकुलर उसी पर रखेगा जिस विशेष टॉपिक को वो पढ़ा रहा होता है। जैसे मान लीजिए आज मैं क्लास में साधारण ब्याज का डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो मैं जो उदाहरण रखूँगा वो विशेषतः साधारण ब्याज का होगा। तो विशेष उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं और फिर हल ज्ञात करने के बाद तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करते हुए सामान्य नियम की ओर अग्रसर होते हैं। तो यही रीजन है कि नियम के साथ सामान्य सेंस जुड़ा है और उदाहरण के साथ विशेष। यहां से विशेष निकाले, यहां से सामान्य, तो इसका एक दूसरा सूत्र हो गया, तीसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इन तीनों पार्ट को हमें अभी समझाना है, जो कि ये आगमन विधि का आप कह सकते हैं फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है। और मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि जैसे मान लिया मैंने ये गणित का एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया, एक प्रश्न रख दिया, तो क्या मेरे ये प्रश्न रखते ही आपको नियम मिला? नहीं। अब नियम कब मिलेगा? उदाहरण से नियम कब मिलता है, या उदाहरण से नियम तक पहुंचने के लिए कुल कितने स्टेप से होकर जाएंगे? तो आपको बताना चाहेंगे, आगमन विधि की क्रियाविधि समाप्त करने के लिए चार चरणों की आवश्यकता होती है, चार स्टेप की आवश्यकता होती है, लेकिन उदाहरण से नियम तक पहुंचने में तीसरे स्टेप में ही पहुंच जाते हैं। मैं इस क्रम को पूरा बाकायदा समझा रहा हूं एक एग्जांपल से। आपने जो ऊपर लिखा है, जो नीचे लिखा है, इन सबको समझा रहे हैं। पहले एक यहां साइड से मैंने जो एग्जाम्पल रखा है, जैसे 5000 रुपए का 10% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे पूछा गया। जैसे मान लिया अध्यापक आज क्लास में साधारण ब्याज पढ़ा रहा है, तो साधारण ब्याज ऐसा तो है नहीं पहले पहुंचते ही एक एग्जाम्पल रख देगा। पहले अध्यापक क्या करेगा, जिस अमुक टॉपिक, जिस विशेष टॉपिक को अध्यापक पढ़ाएगा, सबसे पहले उसकी पूरी पृष्ठभूमि बालकों के समक्ष रखेगा। जैसे मान लिया मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं, तो पहले मैं आपको बताऊंगा साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज वह अतिरिक्त धन होता है जो केवल मूल धन पर लिया जाता है। जैसे मान लिया मैंने, देखिए कोई भी ब्याज अतिरिक्त धन ही होता है। जैसे मैंने किसी को 500 रुपए दिया और उसने हमें 750 रुपए वापस किया, तो इसमें कुछ धन अतिरिक्त है कि नहीं? जी बिल्कुल, 250 रुपए अतिरिक्त है। तो जो 250 अतिरिक्त है यही ब्याज है। तो कुल मिला के वह अतिरिक्त धन जो केवल मूलधन पर लिया जाए साधारण ब्याज होता है। तो जैसे ये प्रश्न मैंने बालकों के समक्ष रखा, तो अभी कोई सूत्र नहीं, पहले अध्यापक इसे गणित की भाषा की तरह पढ़ाएगा। पहले अध्यापक बालक से ये पूछेगा कि बेटा बताइए पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा, पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो ध्यान देना, अध्यापक ने बालक को बताया है कि वह अतिरिक्त धन जो केवल मूलधन पर लिया जाए साधारण ब्याज होता है, तो पहले साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ध्यान देना, अध्यापक ने बालक से प्रश्न किया कि पहले साल ब्याज की दर क्या होगी, 10%। पहले वर्ष ब्याज की दर क्या होगी, 10%। तो यह 10% किस पर लिया जाएगा, केवल मूलधन पर। मतलब पहले साल जो ब्याज 10% लिया जाएगा वो किस पर लिया जाएगा, केवल मूलधन पर। मतलब ये 10% 5000 पर लिया जाएगा, तो 5000 का 10% कितना हुआ, 500 रुपए। इसी प्रकार अब अध्यापक ने बालक से ये बताई पूछा कि फिर बताइए दूसरे साल का ब्याज क्या होगा। अभी देखिए अध्यापक कोई सूत्र नहीं बता रहा है, पहले गणितीय भाषा की तरह हल करा रहा है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज अध्यापक ने फिर भूमिका बनाया और फिर बालक से पूछा बताइए दूसरे साल भी ब्याज लगेगा 10%।
तो बालक बोलेगा अवश्य। तो दूसरे साल जो 10% ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा? केवल मूलधन पर। मतलब दूसरे साल भी 10% लगेगा किस पर? 5000। तो 5000 का 10% यहां भी कितना हुआ? 500। फिर अध्यापक ने बालक से पुनः वही सवाल रिपीट किया कि तीसरे साल का ब्याज क्या होगा? मतलब तीसरे साल भी 10% ही लगेगा और किस पर लगेगा? 5000 पर। तो तीसरे साल भी ब्याज कितना हुआ? 500 रुपये। तो यहां से हमने क्या समझा? देखिए तीनों साल का ब्याज कितना हुआ, थोड़ा इसे इरेज करें, तीनों साल का ब्याज कितना हुआ? 1500। अब ये पहला स्टेप हमारा पूरा हुआ। मतलब पहला स्टेप केवल उदाहरण रख देने से पहला स्टेप पूरा नहीं होता। देखिए विशेष उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण का एक लाइन का मैं पूरा परिचय करा देता हूं। इस सोपान में या इस स्टेप में अध्यापक बालकों के समक्ष उदाहरण को रखता है और बालकों की सहायता से उसका हल ज्ञात करता है। तो जैसे मैंने यहां पर एक उदाहरण रखा और बालकों की सहायता से इसे हल किया। अब बालक की सहायता से कैसे? क्योंकि मैं बार बार जैसे प्रश्न कर रहा था कि 10% ब्याज लगेगा किस पर लगेगा? मूलधन पर। तो ये बालक जवाब देता है। मतलब अध्यापक और बालक दोनों की सक्रिय भूमिका या सक्रिय भागीदारी होती है। इसलिए मैंने यहां किया टीचर कम स्टूडेंट, अध्यापक और बालक दोनों एक्टिव होते हैं इन तीन स्टेप में। अच्छा अभी ध्यान देना, विशेष उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण में केवल उदाहरण शामिल नहीं बल्कि उसका हल भी शामिल है। तो इस सोपान में अध्यापक बालकों के समक्ष विशेष उदाहरणों को रखता है और उसका बालकों की सहायता से उसका हल ज्ञात करता है। चलिए ये पहला स्टेप पूरा हुआ, बालक की सहायता से ये अध्यापक ने इसका हल ज्ञात कर लिया। सॉरी चलिए अच्छा अब यहां से भी ध्यान देंगे, अब हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की। तो दूसरे स्टेप में हमें करना क्या है? दूसरे स्टेप में होता है निरीक्षण करना। अब अध्यापक ने बालक से कहा कि आप जो हल एग्जाम्पल है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल को हल किया है, आप इसमें क्या निरीक्षण कर रहे हैं, आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो यहां से ध्यान देना, बालक यह बताएगा कि हमने यहां पर यह निरीक्षण किया कि प्रत्येक वर्ष ब्याज समान है। मतलब जो ब्याज पहले साल है वही ब्याज दूसरे साल भी है और वही ब्याज तीसरे साल भी, तीनों वर्ष ब्याज क्या है? समान है। तो यहां पर देखिए निरीक्षण करने में क्या है, हल किए गए उदाहरणों का अध्यापक और बालक एक साथ निरीक्षण करते हैं और सामान्य नियम तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहां पर फिर से एक बात सुनिएगा, अध्यापक ने बालक से कहा कि इसमें आप क्या निरीक्षण कर रहे हैं? तो बालक ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या है? समान है। तो अध्यापक और बालक दोनों ने मिलकर यह निरीक्षण किया कि प्रत्येक वर्ष ब्याज समान है। तो अध्यापक ने यह कहा कि हम फिर अलग अलग तीनों साल का निकालें ही क्यों, हम क्यों ना ऐसा करें कि केवल एक साल का ब्याज निकाल लें, केवल एक साल का ब्याज निकाल लें और जितने साल का निकालना हो उससे गुणा कर दें। तो ध्यान देना एक साल का ब्याज कैसे आएगा, ये पहले एक साल का ब्याज कितना होगा? 10% किस पर लगेगा? मूलधन पर। तो ये 5000 का 10%, ये एक साल का ब्याज आ गया और निकालना कितने साल का था? 3 साल का। तो चलिए ये अध्यापक और बालक ने मिलकर इसका निरीक्षण किया और फिर अभी ध्यान देना बात करेंगे तीसरे, ये निरीक्षण करना समाप्त हुआ, तीसरे स्टेप सामान्यकरण। निरीक्षण करने के बाद मतलब दूसरे स्टेप के बाद निरीक्षण ज्ञात करने, निरीक्षण करने के बाद अध्यापक और बालक तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करते हुए सामान्य नियम की जो इंट्रोड्यूस्ड है इंट्रोड्यूस करते हैं। ध्यान देना कैसे, अब अध्यापक और बालक दोनों मिलकर तर्कपूर्ण ढंग से विचार करेंगे। यहां तर्क ये कहता है कि प्रत्येक वर्ष ब्याज समान है तो केवल एक साल का ब्याज निकाला जाए और समय से गुणा कर दिया जाए। ये तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श हुआ है। तो अब इसी को जनरलाइज कर दिया जाएगा, सामान्यकरण करना मतलब जनरलाइज करना। अब अध्यापक और बालक दोनों मिलकर इसका इसको जनरलाइज करेंगे। देखिए कैसे, अध्यापक ने बालक से पूछा कि ये 500 क्या है,
तो सॉरी 5000 क्या है, मूलधन, यहाँ गुणा है गुणा लगा दीजिए, ये 10 क्या है, दर है, रेट है, फिर गुणा है गुणा लगा दीजिए, ये 3 क्या है, समय है, टी है, तो साधारण ब्याज हुआ मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो ये हमें सूत्र किस स्टेप में मिला, ये सूत्र हमें तीसरे स्टेप में मिला, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि उदाहरण से नियम तक पहुंचते पहुंचते कुल कितने स्टेप हो जाते हैं, 3। अब यहां पर अध्यापक का काम समाप्त, अब ध्यान देना, अब सक्रिय भूमिका होगी बालक की। अब अध्यापक ने यह कहा कि देखिए जिस सूत्र की यहां व्युत्पत्ति हुई है, अब उसी सूत्र को बेस मानकर अन्य समस्यात्मक प्रश्नों के, उसी प्रकार के अन्य समस्यात्मक प्रश्नों को हल करके अपने उत्तर की सत्यता की जांच कर लीजिए, सत्यता का परीक्षण करिए। तो यह रहा आगमन विधि की जो सोपान है, स्टेप है, उसकी बात हुई। अच्छा, अभी ऊपर का क्रम आप समझ रहे हैं, उदाहरण विशेष होता है इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल विशेषता उससे प्रस्तुत किया जाता है जिस पर्टिकुलर टॉपिक की चर्चा होती है। तो यहां से विशेष, यहां से सामान्य, अच्छा स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल का मतलब क्या है, पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और जब उदाहरण प्रस्तुत होगा तो वो अपने आप में स्थूल ही होगा। कोई भी एग्जाम्पल जब तक साल्व नहीं होगा वो स्थूल होगा, स्थूल का सेंस कंक्रीट होता है। इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर, मतलब एग्जाम्पल अपने आप में क्या होता है, स्थूल, लेकिन जब उसका साल्व मिल जाता है, उसका हल मिल जाता है, तो ये सूक्ष्म फॉर्म में बदल गया, मतलब अब इसको इससे ज्यादा आसान आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपने आगमन विधि की पूरी क्रिया विधि और इसके पूरे स्टेप को आपने समझा। तो चलिए यहां से अब मैं आपको, अच्छा इसमें अभी आपसे कहें कि इसके कुछ गुण और दोष हो सकते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इन इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि के गुण और दोष क्या है। अच्छा बताइए, जैसे इस विधि से गणित शिक्षण किया जाए आगमन विधि से, तो इसके अपने क्या गुण हो सकते हैं, तो आप इसमें क्या गुण काउंट कराएंगे बताइए। मैंने जब इस प्रश्न को सॉल्व कराया इस विधि से, तो इसका पहला गुण यह निकल कर आता है, ध्यान देना, मैं साइड में थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। देखिए यदि इसकी मेरिट की बात करें, गुण की बात करें, तो इस विधि से यदि शिक्षण किया जाए तो इसका पहला गुण यह निकलता है, यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। अब बताइए जैसे इस विधि से यदि शिक्षण कराया जाए तो यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है, और मैंने आपको बताया था मनोवैज्ञानिक विधि क्या होता है, वह विधि जिसमें क्यों और कैसे का जवाब मिल जाए, वह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। जैसे मैंने आपसे पूछा ये 500 रुपए ब्याज कैसे हो गया, तो कैसे का जवाब तो दे लेंगे ना, या ये 1500 क्यों हो गया 3 साल का, तो इसका भी जवाब दे लेंगे। तो मतलब ऐसी विधि जिसमें क्यों और कैसे का जवाब मिल जाए, वह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो भी ज्ञान मिलता है वह सब प्रत्यक्ष तथ्य पर आधारित होता है, इसका पहला गुण। दूसरा गुण ध्यान से समझना है इसमें, इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं अस्थाई होता है। अब बताइए बालकों को इस तरीके से एक एक स्टेप को लेकर समझाइए, तो बालक इससे जो भी ज्ञान अर्जित करेगा वो बिल्कुल स्पष्ट होगा, और जो ज्ञान स्पष्ट होगा वो उसमें स्थायित्व तो होगा ही। इस विधि से यदि टीच किया जाए तो बालक जो भी ज्ञान अर्जित करेगा वो स्पष्ट होगा और स्थायी भी होगा, ये दूसरा गुण। तीसरा गुण इसका यह है, इस विधि के प्रयोग से बालकों में गणित के प्रति उत्सुकता एवं रुचि बनी रहती है, मतलब बालक ये उत्सुक रहता है कि अब आगे क्या समझेंगे, क्या है ना, मतलब जानने की जो इगरनेस्ट नो, जानने की जो प्रबल इच्छा है वो बालकों में बनी रहेगी, और इस विधि के प्रयोग से बालकों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, अन्वेषण शक्ति और सामान्यीकरण जैसी प्रक्रिया का विकास हो जाता है। सामान्यीकरण समझ है ना, सामान्यीकरण मतलब सूत्रीकरण, किसी सवाल से सूत्र तक कैसे पहुंचा जाता है, यदि इस विधि से अध्यापन किया जाए तो बालक सारी चीजें प्रोसेस, सारी प्रोसेस समझ लेता है। और इसका अगला और अंतिम गुण यह है, इसका अंतिम गुण यह है, छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए यह सर्वोत्तम विधि होती है। क्यों?
क्योंकि छोटी कक्षा के बालकों में इस ढंग से पढ़ाने से उनकी तर्क शक्ति का विकास होता है। क्योंकि देखिए, छोटी कक्षा के बालकों को यदि डायरेक्ट पहले सूत्र ही दे दें तब उदाहरण दें, तो बालक की जो सोच है वहीं तक सीमित हो जाएगी, क्योंकि उसको खोज करने, अन्वेषण जैसी शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। मैंने सूत्र दिया, बालक ने सूत्र पर डेटा को सेट किया, रिजल्ट प्राप्त कर लिया। अब कैसे आया, कहां से आया, क्यों हो गया, इसका जवाब बालक को नहीं मिल पाता। जैसे मान लिया, मैं पहले ही बालक को यह बता दूं कि साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मैंने प्रश्न बोल दिया, उस पर डेटा बालक ने सेट किया, हल कर दिया, साधारण ब्याज आ गया, लेकिन बालक को यह पता ही नहीं हुआ ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। तो छोटी कक्षा के बालक, अच्छा एक और दुश्वारी इसमें ये होती है कि जैसे जैसे सूत्रों की संख्या अधिक होती जाएगी तो अब बालक कंफ्यूज होने लगेगा कि अब क्या बताएं, अब कौन सा सूत्र अप्लाई करें। तो इसलिए, क्योंकि छोटी कक्षा के बालकों में स्मरण शक्ति उतनी विकसित नहीं होती, और मान लिया सूत्र याद भी कर ले तो उसका सही एप्लीकेशन बालक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए सर्वोत्तम विधि होती है आगमन विधि। अब इसके कुछ दोष की बात कर लिया जाए, डीमेरिट्स। अच्छा, इसके ढेर सारे गुण होते हुए भी इसमें कुछ दोष हो सकता है। अब इसमें दोष क्या काउंट कराएंगे, तो इसका दोष यह है, पहला दोष समय और परिश्रम की दृष्टि से यह उतनी उपयोगी विधि नहीं है। मतलब इस विधि से यदि शिक्षण किया जाए तो थोड़ा समय अधिक लगता है, और समय अधिक लगेगा तो परिश्रम तो लगेगा ही। क्यों, जब एक एक स्टेप को तोड़ते हुए बताएंगे तो समय लगेगा और परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो समय और परिश्रम की दृष्टि से यह विधि उतनी उपयोगी नहीं। मतलब यदि नजरिया बदल दें, समय और परिश्रम को हटा दें, तो बाकी यह विधि सर्वोत्तम विधि में एक, इसका छोटी कक्षाओं के बालकों के शिक्षण में इसका कोई तोड़ ही नहीं। अब दूसरे दोष की बात करें, दूसरा दोष इसका यह है कि बड़ी कक्षाओं के गणित शिक्षण में यह विधि उपयोगी नहीं है। क्यों, क्योंकि बड़ी कक्षा में पाठ्यक्रम विस्तृत होता है, और विस्तृत पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा कराने के लिए इस विधि का प्रयोग उतना सही नहीं है। क्योंकि अब एक एक स्टेप को तोड़ते हुए बताएंगे तो समय लगेगा, और समय लगेगा तो निर्धारित समय में सिलेबस जो पाठ्यक्रम है वो पूरा नहीं हो सकेगा। तीसरा दोष यह है कि इस विधि के प्रयोग में पर्याप्त सूझबूझ एवं समझ की आवश्यकता होती है, जो जरूरी नहीं कि छोटी कक्षा के बालकों में समान वह गुण पाया जाए कि या समान मेंटल एबिलिटी पाई जाए। तो इस तरीके से जहाँ पे इसके कुछ गुण हैं वही कुछ दोष हैं। तो इस क्रम को जो मैंने अभी थ्योरेटिकल बताया, इस न्यूमेरिकल पार्ट से टच कराते हुए आप प्रश्नों का अध्ययन करें। इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे ये पूछा जाए कि शिक्षण के किस विधि में हम विशेष से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं, तो हुआ आगमन विधि। या ये कहा जाए, रमेश कक्षा दूसरी का एक छात्र है, वह 15 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयत का परिमाप कुछ इस तरीके से ज्ञात करता है, 15 + 8 + 15 + 8 = 46 मीटर। तो बताइए वह गणित शिक्षण के किस विधि का प्रयोग कर रहा है, तो वो होगा आगमन विधि। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, प्रश्नों की संख्या भी मैं बिल्कुल स्पष्ट कराता चलूंगा। नेक्स्ट क्लास जब मैं करूंगा तो प्रश्नों की संख्या, जो प्रश्न है कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आज चूंकि थ्योरी में ही समय चला गया तो प्रश्नों को वहां पे मैं कवर कराता चलूंगा, और अन्य जो प्रश्न बनते हैं सीटेट में जो कि व्यवहारिक लैंग्वेज पर होते हैं, सभी प्रश्नों को एक साथ कवर कराएंगे। आज बस इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।